महाराजगंज जिले में इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण से जुड़ा धांधली का मामला सामने आया है। फरेंदा ब्लॉक में स्थित सिद्धवारी ग्राम सभा के भजनपुर टोला में बन रही इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण में बालू की जगह मिट्टी का इस्तेमाल करके लाखों के वारे न्यारे किए जा रहे हैं। निर्माण कार्य में जुटे राजमिस्त्री का आरोप है कि यह सब कुछ ग्राम प्रधान के निर्देशों पर किया जा रहा है। सड़क निर्माण में मानकों की धज्जियां उड़ाई जाने से स्थानीय लोगों में भारी गुस्सा है। डायनामाइट न्यूज से बातचीत के दौरान स्थानीय नागरिकों में इस मामले को लेकर भारी गुस्सा देखा गया। उन्होंने हमसे कई शिकायतें भी की। डायनामाइट न्यूज़ ने जब इस मामले से जुड़े एक अधिकारी से बात की तो उन्होंने काम रुकवाकर सड़क निर्माण की जांच कराने की बात कही। अब सबसे बड़ा और अहम सवाल यह है कि क्या वास्तव में इस मामले की जांच की जाएगी और उसके बाद क्या जनता को मानकों की कसौटी पर खरी उतरने वाली इंटरलॉकिंग सड़क की सौगात मिल सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डायनामाइट न्यूज़, महाराजगंज। तो इसमें क्या डाल रहे हैं जो पत्थर और टुकड़ा क्या ईंट का रोड़ी पड़ रहा है? हाँ। और मिट्टी पड़ रही है, तो मिट्टी पड़ना चाहिए इसमें, तो बालू पड़ना चाहिए, लोकल बालू पड़ना चाहिए। क्या पड़ रहा, मिट्टी पड़ रहा है? हाँ, मिट्टी पड़ रहा है। अच्छा, अभी आप लोग काम करा रहे हैं, क्या लग रहा है कि मतलब देख के क्या लग रहा है कि मिट्टी है कि बालू? मिट्टी बालू दोनों है उसमें। काम प्रधान द्वारा कराया जा रहा है और इसमें ईंटे के साथ जो गिट्टी पड़ रही है बालू पड़ना चाहिए, लेकिन ये मिट्टी पूरी तरह देखिए, पूरी तरह मिट्टी है। ये तो बहुत बता रहे हैं कि बलुई मिट्टी है, लेकिन बलुई नहीं, पूरी तरह से मिट्टी है। ये मिट्टी डाल के जो है इंटरलॉकिंग कर रहे हैं, मिट्टी डाल के इंटरलॉकिंग करेंगे तो ये पूरी तरह से गमन कर रहे हैं, जेई द्वारा, चाहे सेक्रेटरी द्वारा, प्रधान द्वारा। इस पर तो जाँच होना चाहिए, नहीं तो अगर मिट्टी है एस्टिमेट में तो एस्टिमेट दिखावे हो कि जो है इसमें मिट्टी है। नॉलेज में आके जाँच करें ये कि जो है इसमें क्या पड़ना चाहिए, बालू पड़ना चाहिए या मिट्टी पड़ना चाहिए। मिट्टी पड़ेगी तो इंटरलॉकिंग कितने दिन चलेगा,